हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी। तो ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है फ्रेंड्स अच्छे से। और इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए, दो कांदे हैं, अदरक, हरी मिर्च, चार हरी मिर्च ली है मैंने, दो टमाटर हैं, एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा है ग्रेवी के लिए, हरे धनिए की पत्तियाँ, कड़ी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला और नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो ये एक कांदा मैंने कट कर लिया है, एक कांदे से मैं इसको भगार लगाऊंगी, मतलब छौंक दूंगी, और ये सब बाकी का मैं पीसूंगी। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए और मैं इसमें ऑयल डाल ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे। और मैंने कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया है इसमें, जो एक प्याज कट करके रखा था वो डाला है मैंने अभी। इसको मैं अच्छे से लाल होने दूंगी। और बाकी का तब तक मैं मसाला पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। तो ये देखिए, प्याज हमारा लाल हो गया है और मैंने सब पिसे हुए मसाले इसमें डाल दिए हैं, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन। और फ्रेंड्स, मैं प्लेट में आपको लहसुन दिखाना भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक गाँठ लहसुन लिया है, उसको मैंने छील के अच्छे से वो भी पीस लिया है, और नारियल भी पीसा है इसमें मैंने, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए, कलर हमारा चेंज होते जा रहा है, मसाले पक रहे हैं हमारे। ये मैंने 2 चम्मच के लगभग रेड चिल्ली पाउडर डाला है, और ये एवरेस्ट का चिकन गरम मसाला है फ्रेंड्स, तो इसको भी मैंने डाल दिया है, हल्दी डाल दी है। इन सबको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और मैंने कोई भी साबुत गरम मसाले नहीं डाले हैं, यानी कि खड़े गरम मसाले, और क्योंकि हमारे गरम मसाले में ही सब कुछ था जो भी खड़े गरम मसाले में होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक टमाटर, और ये रसेदार चिकन बहुत टेस्टी लगता है ऐसे ही। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है उसी मिक्सर जार में। अब मैं मसालों को भून लूँगी अच्छे से। आप चाहिए तो टमाटर को भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए, तेल ऊपर आ गया है हमारा, मसाले हमारे पक चुके हैं। और यहाँ पर मैं चिकन डाल दूँगी। तो ये मैंने चिकन डाल दिया है और ये मैं बना रही हूँ चिकन। मेरी बेटी एडिटिंग कर रही है तो उसने मुझे भी ले लिया कैमरे में, मुझे पता ही नहीं चला था।
और यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से, आप भी टेस्ट के हिसाब से डालिए। और मैंने कोई दही वगैरह और साबुत गरम मसाले कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, इसी तरह ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर हम कोरमा वगैरह बनाएंगे तो उसमें वो सब ऐड करते हैं, उसकी भी रेसिपी दिखाऊंगी एक दिन मैं आपको। और यहाँ पे मैं देखिए मैंने कुकर को बंद नहीं किया है, जस्ट मैंने ढक्कन लगाया है ताकि हमारा चिकन भुन जाए मसालों के साथ अच्छे से। तो ये देखिए अभी से कितना अच्छा कलर आया है और चिकन भुन रहा है, हमारा रेड कलर आ चुका है अभी से, देखिए कितना अच्छा। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां मैंने डाल दी है यहाँ पर। तो चिकन हमारा भुन चुका है फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है, आप चाहिए तो आपके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी गिर गया, मैं हंस रही हूँ। और ये मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और अभी मैं इसको 5 सीटी आने तक पकाऊंगी। 5 सीटी ली थी मैंने इसमें अच्छे से। तो चलिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ। और यहाँ पे चिकन हमारा बन चुका है, मैंने गैस भी बंद कर दिया है। तो चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ, मैंने 5 सीटी ली थी इसमें। अभी मैं कुकर को खोल रही हूँ। तो मेरी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी में। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ चिकन को। जाइए खाने के लिए, मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर मेरी बेटी आपको खा कर दिखाएगी, देखिए मैं निकाल रही हूँ। इतना अच्छा रस्सा बनाया है। और आज हमने बाहर से